हाँ तो भाई क्यूरास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन आता है, जस्ट अभी हमने वीडियो लाइव करी है तो तुम देख लेना। मेरे ख्याल से जब ये वीडियो लाइव जा रही होगी तब कल की वीडियो लाइव गई होगी। अरे जो भी है, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं जिस टाइम पे हम किचन टॉक्स रिकॉर्ड करते हैं उसी टाइम पे हम वीडियो लाइव करते हैं। तो सीन ऐसा है, आज का तुम्हारा एक सवाल लेना है। सवाल है सीक्वेंस से रिलेटेड, कि जो एक्सरसाइज का सीक्वेंस होता है उससे रिलेटेड एक कमेंट आया था और उसी को हम सवाल की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। और उससे पहले बता दें कि अभी प्रोग्रेस का ये सीन चल रहा है कि अब धीरे धीरे हमारे वेंस परमानेंटली विजिबल होने लगी हैं। एक तरीके से जो बाइसेप्स वेंस थी उसको हम एक तरीके से परमानेंटली देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस जर्नी की। तो बाकी आते हैं अपने मुद्दे पे, वो है सीक्वेंस ऑफ मील और उसका एक्सरसाइजेस का। और ये सवाल बना था तब जब हमने डे 49 पे अपना, एक तरीके से जब हमने बाल कटाए थे तो उसमें हमने ट्राइसेप्स पहले ट्रेन करी थी। तो उस पर ये सवाल था कि ट्राइसेप्स पहले ट्रेन क्यों की है, तो उसका हम रीज़न बता दें। वो सिर्फ उस दिन के लिए स्पेसिफिकली हमने ट्रेन की थी क्योंकि हमें पता है कि बाद में अगर हम छोटी मसल ट्रेन करते हैं तो मोस्टली नहीं बट कभी कभी होता है कि हम इतना वो माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं, इतना पम्प्ड होती हैं। और ऐसा बहुत से लोगों के केस में होता है, बहुत से लोग फील करते भी हैं कि मान के चलो अगर पुश डे है तो उस दिन तुम चेस्ट ट्रेन करोगे, शोल्डर ट्रेन करोगे और ट्राइसेप्स ट्रेन करोगे। तो होता ही है कि कुछ केसेस में कि लोग पहले ट्रेन करते हैं चेस्ट फिर शोल्डर देन ट्राइसेप्स, या इसका उल्टा भी कर सकते हो कि पहले शोल्डर फिर चेस्ट और फिर ट्राइसेप्स। तो कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है, यानी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चेस्ट अच्छे से ट्रेन कर लेंगे, वो ट्राइसेप्स भी अच्छे से ट्रेन और शोल्डर भी अच्छे से ट्रेन कर लेंगे, लेकिन ट्राइसेप्स तक आते आते उनका इतना पम्प हो जाता है कि ट्राइसेप्स इतना अच्छे से वो ट्रेन नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? सेम चीज़ तुम्हारे बैक के साथ है, पुल्ले के साथ है, तुम बैक ट्रेन करोगे, तुम रियर डेल्ट भी शायद उस दिन इंगेज करो, ट्रैप्स भी ट्रेन करो, देन आखिरी बाइसेप्स तक आते आते दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं या फिर क्या कर सकते हो तुम, कि सीक्वेंस थोड़ा सा मिक्स करके चलो, एज एन कि तुमने पहले किया चेस्ट फिर किया शोल्डर फिर कर लो एक ट्राइसेप, देन अगेन चेस्ट शोल्डर ट्राइसेप्स। तो होगा क्या कि तुम्हारे पास, और ये होता भी इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास शुरू में एनर्जी ज़्यादा होती है एंड एंड ऑफ द वर्कआउट तुम धीरे धीरे ड्रेन आउट होने लगते हो, इसलिए आखिरी तक तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं होती। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है, ठीक है? तो तुमने देखा होगा अगर हम दो मेजर मसल ट्रेन कर रहे हैं जैसे चेस्ट और शोल्डर, तो हमारे साथ ये पक्का होता है कि अगर हम पहले चेस्ट सारा ट्रेन कर लेंगे तो शोल्डर के लिए हमारे पास इतना ना इतना अच्छा एक तरीके से पम्प फील करेंगे ना वो माइंड मसल कनेक्शन फील करेंगे। तो तुमने देखा होगा मोस्टली हम एक तरीके से पहले चेस्ट ट्रेन करते हैं देन बीच में एक शोल्डर देन चेस्ट, इस तरीके से ट्राइसेप्स अगर हम आखिरी में ट्रेन करते हैं तो वो है हमारा कि हम अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील कर लेते हैं। सेम चीज़ बाइसेप्स के साथ भी है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हम वही चीज़ शुरू में भी करेंगे तो शायद थोड़ा और बेटर होगी, लेकिन वो हमें लगता है कि अभी जो प्रायोरिटी है हमारी वो मेजर मसल है, उसको हम पुश कर लेते हैं आखिरी में भी ट्रेन करने के बाद भी, लेकिन क्या उसको हम उतना पुश कर सकते हैं जितना अगर हम वर्कआउट के शुरू में करें उसके कंपैरिजन में? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि क्योंकि शुरू में तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन वहीं आ जाता है कि तुम प्रायोरिटी अपनी बड़ी मसल को दोगे क्योंकि उसके साथ ये छोटी मसल भी इंगेज हो रही है। अगर हम बाइसेप कर्ल शुरू में करेंगे तो उसमें हमारी बैक इंगेज नहीं हो रही है, वहीं अगर हम रोइंग करते हैं या फिर कुछ भी पुल डाउन मूवमेंट करते हैं तो उसमें तुम्हारा कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही तुम्हारे आर्म्स फोर आर्म्स ये इंगेज होते हैं। तो ये कह सकते हो कि एक रीज़न है कि तुम छोटी मसल बाद में रखते हो क्योंकि वो तुम्हारी बड़ी मसल जो तुम ट्रेन करते हो उसके साथ वो आ जाती है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि मन ही लुढ़ुस हो जा रहा है कि भाई नहीं अब होना ही नहीं है, देन ये चीज़ करो कि शुरू में तुम करो एक क्या कहते हैं, जैसे चेस्ट में हम करते हैं पहले प्रेसेस मूवमेंट देन रेजेस, एंड अगर तुम्हारा मन करता है तो पहले ही ट्राइसेप्स ला दो। तो ये एक चीज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तुम्हें हेल्प करेगी अच्छे पंप के लिए। तो ये था आज का सीक्वेंस और ज्ञान वाला पार्ट, बाकी अभी इतना ही रखते हैं। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना तो उसको कवर करेंगे। और बस भाई ये रखते हैं, और पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप। वर्कआउट आज था हमारा पुश डे, तो समझ ही रहे होगे भौखाली था और बढ़िया था वर्कआउट, और धीरे धीरे काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो वो तुम देखोगे और देख के बताना कैसा लगा। अरे हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और किचन टॉक्स का, ये तो सुबह की चर्चा है। उसी ऐसा है, जा रहे हैं कार्डियो के लिए और बारिश हो रही है जब से हम उठे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये शुरू हुई है क्योंकि कहीं भी गड्ढे में पानी अभी भरा नहीं है, तो इसका मतलब अभी हाल ही में बारिश शुरू हुई है। रात भर तो नहीं हुई है बट चलेगा,
लेकिन अब धीरे धीरे प्लान कर रहा है कि मेरे ख्याल से एक से दो हफ्ते हो गए जब से हमने वेटेड वेस्ट यूज़ करी नहीं है, तो उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, रूटीन पे भी हैं, सब कुछ सही चल रहा है, कहीं कोई कुछ दर्द मूर्द कुछ नहीं है, तो ये चीज़ भी भाई। तो जल्दी शायद तुम हमें वेटेड वेस्ट देखना पहनते हुए शुरू करते हुए देखोगे। साला पता नहीं सीक्वेंस ऑफ वर्ड बहुत गलत था, तो जो भी था, लेकिन समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं। बाकी बस भाई यहीं तक रखते हैं और तुमसे जिम में मिलते हैं। खुशी में सब पहला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है शोल्डर प्रेसेस। प्रेसेस ही करना है बेसिकली हमें, लेकिन आज मशीन पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से उस पर ही कर रहे हैं, तो आज स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं। और इसके और उसके वेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, वहाँ 35 की चार प्लेट ईजिली चले जाते हैं, ईजिली तो नहीं कहेंगे बट फिर भी इसमें 5-6 रेप्स आ जाते हैं, इसमें हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें मैक्स शायद हम पता नहीं आज कितना जाएंगे, लेकिन शुरू करते हैं 25 से, फिर उसके बाद 10-10 का इंक्रीमेंट लेंगे, फिर देखते हैं कितना जाता है। इसमें 15 थे तो ये वेट सही लग रहा है हमें, और 15 थोड़े स्ट्रगल के साथ थे, तो अगले में 10 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो अभी ये एक 45 की प्लेट है एक तरीके से। ओके भाई, सुखी नजर है कि आज जो हमने प्रेसेस की हैं तो उस पर पम्प काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फील कर लिया हमने, तो अभी प्रेसेस पे नहीं आ रहा है, पहले एक मोमेंट हम फ्लाई से करेंगे जो कि चेस्ट फ्लाई भी होने वाला है, सीटेड चेस्ट फ्लाई, सीटेड मशीन चेस्ट फ्लाई। पहला सीक्वेंस भी हम शब्दों का एक तरीके से आगे पीछे कर दे रहे हैं आजकल, और चलेगा तुम समझ रहे हो मेरा मतलब। कि आज सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, एक्सरसाइज तो वही है, अभी हमें पुश डाउन करेंगे, 20 बार पुश डाउन कर रहे हैं, और उसके बाद एक ओवरहेड एक्सटेंशन करेंगे, फिर एक चेस्ट का और एक शोल्डर का मूवमेंट बच जाएगा। चेस्ट का अगेन कोई प्रेसेस ही होने वाला है, और शोल्डर का वही साइड रेजेस होगा, तो ये चीज़ भी है। बाकी आज एक नई जगह शायद हम वो करेंगे, फ्लेक्सिंग वाला पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह नया मिरर लगा है तो उसको देखना है हमें कैसा आता है वहाँ पे। मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है साइड रेजेस। अगेन आज साइड रेजेस तो अच्छे से करते ही हैं हमेशा से, 15 से करना है हमें स्टार्ट, और 15 से लेके मैक्स शायद 30 तक जाएंगे, तो वो चीज़ तुम देखोगे। अभी हमने लेंथ बदला नहीं है, हालांकि बदलने वाले हैं थोड़ी देर में ही, क्योंकि फ्लेक्सिंग वाला पार्ट आ चुका है, क्योंकि दो ही मूवमेंट रह गए हैं, एक तो साइड रेजेस और दूसरा प्रेसेस, तो वो तुम देखोगे। आ,
टाइम होती है। ओके भाई, तो वर्कआउट ही लगता टोटल अगेन आज 6 ही मोमेंट थे, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस अलग था और दिन के मुकाबले, क्योंकि बीच में हमने ट्राई से घुसड़ी थी। लेकिन इसका एक फंडा भी बता दें, इसका शायद हम किचन टॉक्स में अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो तुम शायद वही देख लोगे या तुमने देख लिया होगा। अगर हम भूलते नहीं तो आज ही कवर कर लिया होगा हमने कि सीक्वेंस का क्या सीन रहता है, क्योंकि एक सवाल भी था इसी के रिलेटेड। बाकी आज क्या सबसे पहले था स्मिथ मशीन प्रेसेस, उसमें हाँ हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मशीन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पम्प फील कर रहे थे और उसमें हैवी भी नहीं जा पाते हैं, तो अब लग रहा है कि शायद इसको भी फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा एटलीस्ट ऑल्टरनेट वीक्स पे। तो ये चीज़ भी है। उसके बाद हमने क्या फ्लाइज किया था, सीटेड मशीन फ्लाइज, फिर क्या कहते हैं ट्राइसेप्स का था दोनों मूवमेंट, और फिर थे दो, एक चेस्ट और एक शोल्डर। आखिरी में जो हमने किया था वो डिक्लाइन मशीन प्रेसेस ही किया था, डम्बल पे नहीं गए थे, क्योंकि हमें लगता है आखिरी में जब तक पहले काफ़ी ज़्यादा फटीग हिट कर चुके होते हैं तो डम्बल पे और हम ज़बरदस्ती नीचे जाते, तो वो शायद शोल्डर जॉइंट के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो इसलिए हमने मशीन ज़्यादा प्रेफर करी। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको कवर करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखना।